हेलो गाइस, वेलकम टू हनी 710 व्लॉग्स। अभी हम आ गए हैं रामेश्वर महादेव, जो कि आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे मंकी हैं यहाँ पे, डर भी लगता है, फिर भी हम इनके पास जाते हैं। आपके लिए, आपके मजे के लिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। हाय, कुछ तो बोलो भैया। हाय, ये रावड़ी भैया ना जाने क्या बोल रहे हैं, इनको बोलना एक बार वापिस। अरे बोलो ना इंग्लिश में, गोइंग। ये घर पे जाके लेडीज़ काम के थक के आ रही है, खाना वाना खाएगी, घर पे जाके भूख लग रही होगी इनको बहुत। हेलो गाइस, वेलकम टू हनी 710 व्लॉग्स। अभी हम आ गए हैं रामेश्वर महादेव, जो कि आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ। क्यों आकाश भैया, कैसा है माहौल? हाँ रावड़ी भैया, कुछ बोलना चाहोगे? मजे ले रहे हैं। चलो मिलते हैं। ये इनका मोमेंट देखो भैया, वाह। आया बहुत सारे मंकी हैं यहाँ पे, डर भी लगता है। आपके लिए, आपके मजे के लिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। देखना इस मंकी से आपको मिलाता हूँ मैं। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो भैया, हाय हाय, कुछ तो बोलो भैया। हाय, ये रावड़ी भैया ना जाने क्या बोल रहे हैं, इनको बोलना एक बार वापिस। अरे बोलो ना इंग्लिश में, गोइंग। माटी का तो गाइस बहुत सारी सीढ़ियां हैं, चढ़ चढ़ के थक गए हम। यहाँ से टिट वहां से आ रहे हम, कितना दूर है ना वो, और आगे भी है, जैसे कि आपको पीछे दिखाता हूँ मैं, इतना और बाकी है वहाँ तक जाना हमें, और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे व्यू तो यहाँ का भी बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस हम पूरे पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं, जो कि आप देख पा रहे हो कितनी ऊंचाई पे हम, और इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहुंच पाए हैं। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहा है, और
जस्ट अब आपको मैं अंदर दर्शन करवाता हूँ भोलेनाथ के, तो चलिए हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ दूध की तरह ऊपर से गिरते हुए पानी का झरना, जो कि यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और सब इसी को देखने आते हैं। तो देखिए किस तरह शिवलिंग के ऊपर पानी गिर रहा है, जो कि दूध के समान लग रहा है ऊपर से। हालांकि अभी पानी बहुत कम है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हुए, और वो जो पानी गिर रहा है वहाँ पे शिवलिंग है, किस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरा पहाड़ है, इसके अंदर विराजमान है शिव जी, जो कि भोलेनाथ। अब आपको नीचे से व्यू दिखाता हूँ मैं। चलिए भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले सोचते हुए किस तरह ऊपर से चलना गया। तो फ्रेंड्स झरना देखकर जस्ट हम अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा मैं। जितना हम ऊपर आए थे उतनी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेगी हमें। सीढ़ियों की काउंटिंग तो मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर भी आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। वो बहुत अच्छा व्यू है। देखिए सीढ़ियाँ कितनी हैं, और अब नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको। चलिए तो गाइस देखिए आप, एक किनारे से दूसरे किनारे पे मार्क करने के लिए ये बना रखा है पुलिया, जो कि देखने में बहुत ही अलग लगता है, जैसे हम किस ब्रिज को पार कर रहे हो। लोहे की बनी हुई ये ब्रिज इस किनारे से उस किनारे पे लेके जाता है, जो हम मैं चल के बताता हूँ आपको। और यहाँ से जो व्यू दिखता है बहुत ही शानदार व्यू है। ऐसे ही पीछे की तरफ का भी देखिए आप, कितना पानी बह रहा है इधर, बहुत ही अच्छा व्यू है आपका। तो फ्रेंड्स वापिस चढ़ने का Thank you.
गुरु। I'm बैगन।